हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना ग्रोवर्स व्लॉग्स। तो आज गाइस बहुत ही टेस्टी टेस्टी यमी यमी साग बनाने लगे हैं, जो कि पंजाब की शान है। बट आजकल तो साग और मक्की की रोटी सभी बहुत ही टेस्ट से खाते हैं और सच में बहुत डिलीशियस बनता है। बिलीव मी गाइस, मैंने इसमें आपको एक एक स्टेप बहुत ही इजी तरीके से बताया है और प्लीज़ आप एक एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने कोई स्टेप मिस किया तो फिर साग तो वो नहीं बनेगा गाइस जो बनना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साग के लिए चार पांच चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि मैंने सरसों ली है आधा किलो और उसके साथ ही मैंने आधा किलो ही पालक ली है। पालक आप ज़्यादा या कम अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मीठा बनाना है तो पालक को बराबर क्वांटिटी में, और थोड़ा सा अगर कसैला पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम। और उसके साथ ही मैंने बथुआ लिया है 150 ग्राम, और अगर आपको स्मूथ ज्यादा बनाना है तो बथुआ ज्यादा लीजिए। 100 ग्राम ही मैंने सोया लिया है खुशबू, और इसके साथ ही मैं ले लूंगी लगभग 100 ग्राम के बराबर मेथी। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इन सभी लीव्स को हमने ले करके और अच्छे ढंग से वॉश करके कट कर लेना है। अगर बाहर से कट करवाया है तो अच्छे ढंग से वॉश कर लीजिए और अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाए इन सबकी। सभी लीव्स को काट करके मैंने कुकर में डाल दिया है। पालक मैंने साबुत ही धो करके डाला है, और अब मैं इसमें 3 इंची के करीब अदरक और 6-7 हरी मिर्ची डाल दूंगी, और साथ ही इसमें 1/4 चम्मच के करीब नमक भी डालूंगी और आधा ग्लास पानी भी डाल करके 6-7 विसल दिलवा दूंगी। फिर सिंपर कर दूंगी फ्लेम। जब तक साग बॉयल हो रहा है तब तक हम इधर साग का मसाला बना लेते हैं। ये मैंने 2 लौंग और 2 इलायची कूट करके इसमें डाली है, और इसके क्रैकल होते ही इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। साबुत धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये गार्लिक क्लव्स हैं जो कि मैंने लगभग 14-15 ग्रेट करके रखे हैं, और आप चाहें तो इसमें आप रेड वाली जो साबुत मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं और इसे पिंक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है। तो ये गार्लिक जो है हमारे ब्राउन हो चुके हैं। मैंने 2 बड़े प्याज लेकर के और उसे रैंडमली कट कर लिया है, और गार्लिक के ब्राउन होते ही मैंने प्याज को इसमें डाल दिया है, इसे भी ब्राउन कर लेंगे। ये अनियन जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने 6-7 टमाटोज कट करके रखे हैं, मीडियम साइज रैंडमली कट किए हैं, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसके साथ ही हमें नमक डाल देंगे इसमें, 1 से 1/4 चम्मच के करीब नमक डाला है क्योंकि हमने साग में भी नमक डाला था। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया जो कि मैंने घर में ही पिसा है, बहुत बारीक नहीं है, थोड़ा सा दरदरा पिसा धनिया अच्छा लगता है। तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच के करीब पिसा धनिया डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें साबुत धनिया नहीं डाला है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च बहुत सारी डाली है तो इसमें बहुत ही कम मैं लाल मिर्च डालूंगी। ये मेरा 1/4 किलो के बराबर साग हो गया है, और ये सॉफ्ट कर लेंगे इन्हें। बिल्कुल सिंपल तरीके से, पंजाबी तरीके से ये हमने साग का मसाला तैयार किया है, और इसे हम तब तक सोते करेंगे जब तक कि ये टमाटोज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, और तब तक हमें इसे ऐसे ही चलाना है। 6-7 पिसल दिलवाई थी हमने इसे, और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल सिंपर कर दिया था, और 20-25 मिनट सिंपर रहने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ किया और कुकर अपने आप से जब ठंडा हो गया तो अब कुकर को खोल दिया। मुझे बारीक साग चाहिए तो मैं इसे ब्लेंडर से मैश कर रही हूँ। साग को ब्लेंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की हो गई है, देखिए। अब इसे हम सिम फ्लेम पर ही रखेंगे जिससे कि ये मिक्स हो जाएगा, बट इसे और अच्छा मिक्स करने के लिए एक और प्रोसीजर है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 1/2 ग्लास पानी ले लिया है मैंने, और इसमें मैं मक्की का आटा डालूंगी, लगभग बड़ा वाला सर्विस स्पून या फिर 1/2 कप समझ लीजिए आप, और उसको ठंडे पानी में ही डालकर उसे अच्छी तरह से इसके लम्स तोड़ लेंगे, और लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें, अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो लम्स रह जाएंगे। तो इसे इस तरह से ठंडे पानी में ही जल्दी से मिक्स करने की कोशिश कीजिए, और फ्लेम ऑन है बट बहुत तेज़ पर नहीं है, सिंपर है ये, और जब ये गर्म हो जाएगा बहुत तेज़ वाला तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे जिससे कि ये जले ना। आटे का ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी।
साग ब्लेंड करने के बाद से ही सिंपल है, और अब हम इसमें ये आटे का जो है पेस्ट बनकर तैयार हुआ था वो इसमें डाल देंगे। आटे की जगह, मक्की के आटे की जगह हम इसमें गेहूं का आटा या बेसन भी डाल सकते हैं, यही क्वांटिटी रहेगी। तो इस आटे को इसमें डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट सिंपल, फिर हम इसी तरह से खुले में ही इसको साग को रख देंगे। 10 से 15 मिनट तक पकता रहेगा तो इसका और भी अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। इसमें जो ये आटा हम डालते हैं ना, इसमें मक्खनी टेस्ट लाने के लिए डालते हैं। साग बहुत ही खाने में सॉफ्ट लगता है और बहुत ही बटरी सा फ्लेवर लगता है इसका। गाइस साग का मसाला तो हमने तैयार कर ही लिया था, तो गाइस आपने देखा ये बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है मैंने। अगर आपको बारीक चाहिए तो मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो साग भी हमारा तैयार हो गया है, तो साग को मैंने इसी मसाले में डाल दिया है और कम से कम इसको 5 मिनट और पका लेंगे। इसमें साग को 5 मिनट के लिए सिंपल रख दिया है, तब तक हम लास्ट प्रोसीजर कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है और उसमें मैं देसी घी ले लूंगी, आपका टेस्ट है, 1 स्पून लीजिए या 2, मैंने 1 टीस्पून डाला है। घी के मेल्ट होते ही, तेज गर्म होते ही इसमें हम हींग डाल देंगे, 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाली है। हींग इसमें अच्छी क्वांटिटी में डलती है क्योंकि ये साग है, इसमें अदरक लहसुन हींग काफ़ी अच्छा डलता है। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, जीरा और हींग हमने पहले नहीं डाली थी, और फ्लेम को ऑफ करके उसके बाद हम इसमें ये साबुत वाली रेड चिली डाल देंगे। और ये बहुत बढ़िया सा हमारा तड़का तैयार हो गया है साग का। गाइस साग को थोड़ा सा कवर करके सिम फ्लेम पर ही रखा हुआ है, अगर कवर नहीं करेंगे तो ये उड़ेगा। और ये देखिए अब इसमें तड़का डाल देंगे और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। तो गाइस देखा आपने एक एक स्टेप कितना यूजफुल इम्पॉर्टेंट है, तो किसी भी स्टेप को आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा ही यमी साग बनाना है और साग में हमने जितना भी घी यूज़ किया है, देसी घी यूज़ किया है, या आप बटर यूज़ कीजिएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।